हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद विनी। और आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर का साइंस ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज, फारेनहाइट स्केल पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर -273 होता है फारेनहाइट में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5 c + 32 f = 9/5 × −273 + 32। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली -460 डिग्री फारेनहाइट आएगा। ओके, द एनर्जी ऑफ अ गैस पर लीटर इज, तो जो गैस की एनर्जी पर लीटर है वो कितनी है? 300 जूल्स। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 300 × 10^3 जूल पर मीटर क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो P = 2/3 × 300 × 10^3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर। तो एक ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से छोड़ा जाता है ऊपर की तरफ, तो बताओ वो ग्राउंड पर दोबारा कितने टाइम बाद आएगा। तो हम v को मान लेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, g को एज्यूम करेंगे -10 और t आपको फाइंड आउट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 सेकेंड + 10, आप कितनी देर बाद दोबारा स्ट्राइक करेगा, आफ्टर 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर्स दिए हैं p एंड q, विल बी पैरेलल इफ, ये पैरेलल होंगे अगर। तो देखिए, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा, आई जे के आर कॉन्स्टेंट, अगर हम इनको पैरेलल करना है। तो k = 2/1 = b/1 = 2/1, तो आपका b कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डज गिवन टू अ पेशेंट इज, न्यूक्लियर पेशेंट को दिया जाता है तो उसकी यूनिट क्या है, रोंटजेन। ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिवन टू पेशेंट। कोई भी डिजीज ठीक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन पेशेंट को दी जाती है उसको रोंटजेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? जब हमें बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस नापने पड़ते हैं तो उसकी उस किससे नापा जाता है, लाइट ईयर से। 1 लाइट ईयर इक्वल क्या होता है, 9.46 × 10^12 किलोमीटर या फिर 5.88 ट्रिलियन माइल्स। 1 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, 10^-15। और ये किसकी यूनिट होती है, फेम्टोमीटर लेंथ, ये भी डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है। Which of the following graph represent the motion of planet moving about around the sun? तो कौन सा ग्राफ सही शो कर रहा है मूवमेंट अराउंड द सन, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए, जब अर्थ के अराउंड, सॉरी, सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर क्यूब। फिर हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये के कांस्टेंट पे ये
सीधी लाइन आएगी, और जब ये यहाँ से सीधा मूव करेगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ये आर क्यूब। तो कौन सा सही है आपका? सी। अब देखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, जो आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो कोई एक्सचेंज नहीं होता वर्क और हीट का, और वो आइडियल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज अ पीरियड टी। When the train is at rest, then when the train is accelerating with a uniform acceleration, a the period of oscillation will। देखिए, एक पेंडुलम को ट्रेन की छत से सस्पेंड किया जाता है, छोड़ा जाता है। When the train is at rest, जब ट्रेन रेस्ट पोजिशन में है, जब ट्रेन चलना शुरू कर देती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, तो जो ऑसिलेशन का पीरियड है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन अनफेक्टेड रहेगा, या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए, जब ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी तो पेंडुलम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो जो टाइम पीरियड होगा तो क्या होगा, इस तरह से जो इंक्रीज आएगा किसमें? पेंडुलम के एक्सेलरेशन में इंक्रीज आएगा। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ एफेक्टिव एक्सेलरेशन के। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को देखकर समझ लीजिएगा, ये रेस्ट पोजीशन में है, ये एक्सेलरेटिंग पोजीशन में है। इससे पता चल रहा है कि जो T1 है वो T2 जो है वो T1 से कम रहेगा, मतलब डिक्रीज होगा। वाटर वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? तो ये दोनों होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये प्रोपेगेशन और परपेंडिकुलर दोनों होती हैं। सोनार एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, सोनार कौन सी वेव्स को एमिट करता है, निकालता है, किसमें से कैसी वेव्स निकलती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब आप एक ग्लास रॉड है, अब आप इसको सिल्क से रब करेंगे तो क्या होगा? सिल्क से रब करने से जो ग्लास है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और किसको दे देगा? सिल्क को दे देगा। सिल्क इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले लेगा, तो क्या होगा? अब ग्लास होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दोनों इक्वल रहेंगे लेकिन क्या होंगे? अपोजिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, अपने इलेक्ट्रॉन्स। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऑफ कॉपर इज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ के ऑफ कॉपर कितना होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं करता, तो क्या होता है? तो ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसीलिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सी आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन करंट एंड पीडी फॉर लिक्विड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग डज नॉट हेल्प इन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें हेल्प नहीं करती? तो देखिए, इसमें भी हेल्प करती है, फाइन फिनिश द सरफेस, शाइनिंग अपीयरेंस, प्रोटेक्टिंग मेटल अगेंस्ट इरोजन,
तो मेटल को हार्ड करने में हेल्प इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करती, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। इफ कैथोड रेज आर प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड देयर ट्रैजेक्ट्री इज, अगर कैथोड रे को राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसकी ट्रैजेक्ट्री क्या होगी, कैसी होगी? तो इसमें ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। जब मैग्नेटिक फील्ड पर कैथोड रेज को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक पोल्स को परपेंडिकुलरली एडजस्ट किया जाता है कैथोड रे पर, तो जिस तरफ से आप वेट हाँ तो जिस तरफ से मैग्नेटिक पोल्स वहाँ पर आएंगी, तो वो उसको जिस तरफ मैग्नेटिक पोल होगा वहाँ से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी और दूसरी तरफ कैथोड रेस चली जाएंगी, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। आइडेंटिफाई द पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है इनमें, तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इनमें है एल्यूमिनियम। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ज़्यादा मैग्नेटिक क्षेत्र से, ज़्यादा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम की तरफ, सॉरी कम मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, गति करते हैं, और जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का जो की वैल्यू है, उसका जो मान है वो कम हो जाता है, तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस को पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।